पाकिस्तान से भागकर भारत आया बाबा कैसे बन गया करोड़ों लोगों का भगवान, आसाराम की क्राइम कुंडली कैसे खुली, एक संत कैसे बन गया 10,000 करोड़ का मालिक, 4 बच्चों की मौत फिर भी कैसे बच गया था बाबा, बापू की क्राइम कुंडली। आसाराम बापू की क्राइम कुंडली एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। करोड़ों लोगों के भगवान आसाराम बापू की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। पाकिस्तान के एक गरीब परिवार में साल 1941 में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था आसुमल सिरुमलानी उर्फ आसाराम बापू। बंटवारे के बाद इस बच्चे का परिवार अहमदाबाद चला गया और उसके बाद गुजरात में रहने लगा। शुरुआत में उसने साइकिल की दुकान पर साइकिल रिपेयर करने से लेकर घोड़ा गाड़ी चलाने तक का काम किया। आसुमल घर से अक्सर दूर रहता और आध्यात्मिकता की तरफ जाने की अपनी कोशिशों में रमा रहता। परिवार को लगा कि शादी के बंधन में बांध देंगे तो लड़के के पैर घर में टिकेंगे। कहा जाता है कि 15 साल की उम्र में वो अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले आश्रम में भाग गया था। उसका परिवार उसे घर वापस लेकर आया और तुरंत उसकी शादी कर दी। उसकी शादी लक्ष्मी देवी नाम की लड़की से हुई। शादी के बाद 2 बच्चे बेटा नारायण साई और बेटी भारती देवी पैदा हुए, लेकिन आसुमल का मन शादी के बाद भी घर में नहीं रमा और 23 साल की उम्र में वो एक बार फिर से घर से भाग गया। इस दौरान वो अपने आध्यात्मिक गुरु लीला शाह जी महाराज के संपर्क में आया। धीरे धीरे उसने अपना नाम आसुमल से बदल कर आसाराम रख लिया। धीरे धीरे आसाराम मशहूर होता गया और इसके साथ ही उसके अनुयायियों की संख्या भी बढ़ती गई। अनुयायियों के बड़े समूह ने राजनेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। हर कोई संत का मुरीद होने लगा। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी सरकारों ने भी उसे जमीन दी। हिंदू धर्म को अपना ब्रांड बनाने के लिए आसाराम ने तांत्रिक अनुष्ठानों को हिंदू धर्म ग्रंथों की सरल व्याख्याओं के साथ मिला दिया। कहा जाता है कि आसाराम ने काले जादू को भी अपना धार्मिक ब्रांड बना लिया था। आसाराम ने कई बड़े तांत्रिकों से सम्मोहन विद्या भी सीखी थी और यही कारण था कि उसके आश्रम में 4 बच्चों की संदिग्ध मौत हुई, जिनका कारण जादू टोना बताया गया। आसाराम के खिलाफ कई आपराधिक मामलों में याचिकाएं दायर हैं। उसके आश्रम द्वारा अतिक्रमण, 2012 के दिल्ली बलात्कार मामले पर उसकी टिप्पणियां और 2013 में एक नाबालिग लड़की के कथित यौन शोषण जैसे विवादों से जुड़ा रहा है, जबकि उसके खिलाफ आरोपों की आंच उसके बेटे नारायण साईं तक भी पहुंची थी। आसाराम पर यौन उत्पीड़न का मामला 20 अगस्त 2013 को सामने आया, जब दिल्ली के कमला नगर के एक पुलिस स्टेशन ने सुबह करीब 2 बजे औपचारिक शिकायत दर्ज की थी। रिपोर्ट के अनुसार ये घटना 15 अगस्त को जोधपुर के मड़ई में एक फार्म हाउस में हुई। लड़की का दावा है कि रात के समय बापू ने उसे अपने कमरे में बुलाया और 1 घंटे तक उसका यौन उत्पीड़न किया। लड़की छिंदवाड़ा में आश्रम के गर्ल्स हॉस्टल में 12वीं कक्षा की छात्र थी। वो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। इसी मामले में उसे सजा सुनाई गई थी। फिलहाल वो जोधपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अस्थायी पेरोल को मंजूरी दे दी है। पिछले 11 सालों में ये पहला मौका है जब आसाराम को पेरोल पर जेल से रिहा किया जाएगा। इलाज के लिए आसाराम महाराष्ट्र जाएगा। पुणे स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय में उसका इलाज चलेगा। वेल, आप आसाराम के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और उसकी संपत्तियों को लेकर आपका क्या सोचना है ये भी बताइए।